हेलो एवरीवन, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हमारे आईपी के काउंसलिंग हेड आरजे स्टीफन्स और स्टूडेंट करियर काउंसलिंग में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, एफएक्यूज हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग जो नॉर्मली हमें फ़ोन करके हमसे जानकारी लेते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इस वीडियो को बनाया है। सो दैट आप जब घर पर हों, किसी भी जगह पर हों और आपको आईआईपी में एडमिशन का प्रोसेस, कोर्स के बारे में जानकारी, क्या आउटकम है, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, जो भी जिस भी तरह की आपकी क्वेरीज हैं ड्यूल डिप्लोमा इन फोटोग्राफी को लेकर के, उसके बारे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। आपको आपके मन में पेरेंट्स को, गार्जियंस को या जो भी प्रोफेशनल जिनको आप जानते हैं, वो कुछ ना कुछ ये जरूर पूछना चाहते हैं, भाई फोटोग्राफी होती क्या है, फोटोग्राफी में पोटेंशियल क्या है, कमर्शियल वायबिलिटी है या नहीं है, हमने तो कभी किसी को फोटोग्राफी में कमाते हुए देखा नहीं, फोटोग्राफी पढ़ाई कैसे जाती है, थ्योरी क्यों होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स पूछते हैं और आप लोग के मन में होते हैं। इन सभी बातों को एक बार फिक्स करने के लिए हमने इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना है आपको कि आपकी क्वेरीज को इस वीडियो से रिजॉल्व कर दिया गया है। तो रोमियो, अब एक काम करते हैं, आप मुझसे जो जो क्वेरीज आपके पास आती हैं वो आप मुझसे वन बाई वन पूछिए और मैं आपको, ये जो हम स्टूडेंट जब यहाँ आते हैं और वो हमसे क्वेरीज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये उनको हम एक लिंक के माध्यम से, जब वो लीड जनरेट करते हैं आईपी में कोर्स को लेकर के, जब वो बातचीत करते हैं, तो वो एक बार उनको उनके घर बैठे पेरेंट्स के साथ में वो वीडियो को देखें और उनको वहीं पता लगे कि आईपी में होता क्या है और वो जो भी क्वेरीज हैं रिजॉल्व हो जाए। तो आपसे सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो क्वेरी स्टूडेंट्स का आता है वो आता है एलिजिबिलिटी, कि सर मैंने, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनने सिर्फ टेंथ किया होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनने ट्वेल्थ कंप्लीट कर दिया होता है, ठीक, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनने ग्रेजुएशन तो कर लिया होता है बट स्टिल दे आर कन्फ्यूज कि अब मेरे को अपना करियर कौन सी तरफ लेके जाना है। तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है कि एक फोटोग्राफी कोर्स को मैं ज्वाइन, ठीक है। देखिए, एलिजिबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट टू क्वालिफिकेशन, यानी आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए अगर आपने डिप्लोमा करना है तो मिनिमम जो कम से कम अप्लाई करने के लिए वो तो 10th क्लास है, यानी 10th के बाद कोई भी स्टूडेंट, कोई एज का प्रॉब्लम नहीं है किसी भी एज से, बट 10th पास होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। कोशिश हम ये करते हैं 18 प्लस हो, क्योंकि 10th के बाद पर्पज ऑफ डूइंग डिप्लोमा चेंज हो जाता है। तो आप अगर 17 के भी हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 18 के होते हैं तो एक माइनर से मेजर की तरफ निकल जाते हैं, तो वो एक हमारा कंसिडरेशन होता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th पास होना चाहिए, पहला। आप किस स्टेट से हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैपेसिटीज क्या हैं, इससे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, आप चाहे प्लस टू हो, आप एलिजिबल हैं डिप्लोमा इन फोटोग्राफी के लिए। सो एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने आपको बता दिया एज के, 10th पास है तो भी चलेगा, वरना 18 प्लस के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो 40 की एज में भी, 45 की एज में भी, जो लोग अब लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया बट मुझे अब फोटोग्राफी की तरफ अपना करियर बनाना है या पैशन को जीना है, तो वो लोग भी करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो अलग फॉर्मेट पे कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले भी करते हैं। सो आपके इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है कि 10th के बाद और कोशिश हो कि 18 से प्लस, 10th के बाद, और एज जो है 18 प्लस हो तो थोड़ी सी मैच्योरिटी भी स्टूडेंट्स में आ जाती है, तो टेक्निकली वो समझना शुरू कर देते हैं। अब उनका एक और क्वेश्चन होता है कि मतलब उनका भी होता है और उनके पेरेंट्स का भी होता है। मोस्टली जब स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि मेरे को फोटोग्राफी करना है, तो उस केस में पेरेंट्स का भी ये सवाल होता है कि व्हाई फोटोग्राफी,
ठीक है, पेरेंट्स को मतलब आज के डेट में मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स जो है स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि उनसे सवाल करते हैं कि वाई फोटोग्राफी। ठीक है, देखिए वाई फोटोग्राफी तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है और बहुत प्रोफेशनल भी है। पर्सनल ये है कि अगर किसी को क्रिकेट खेलने का शौक हो, अगर किसी को गोल्फ खेलने का शौक हो, पेंटिंग करने का शौक हो, किसी तरह का परफॉर्मिंग आर्ट करना है, तब तो पेरेंट्स नहीं पूछते, पेरेंट्स प्रमोट करते ही हैं। यानी अगर आपको किसी चीज का पैशन है तो आपको फोटोग्राफी करना चाहिए, दैट इज वन। नंबर टू, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है पूछने के, भाई फोटोग्राफी क्यों, और पेरेंट्स अगर ये पूछते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि वो अवेयर नहीं होते हैं कि फोटोग्राफी में कोई सक्सेस है, प्रोफाइल कमर्शियली वायबल होती है, या वो किसी तरीके से अर्निंग का सोर्स बन सकती है क्या। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है। यहाँ मैं इसलिए पेरेंट्स को हमें गारंटी या पेरेंट्स को हम क्यों कोई प्रॉब्लम उनके नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी हो जाती है। अवेयरनेस की फोटोग्राफर तो दिखते ही नहीं है, फोटोग्राफर दिखते कहाँ है वेडिंग में, फोटोग्राफर दिखते कहाँ है पैशन में, या सभी मोबाइल लेकर के फोटोशूट कर रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम कहाँ है, पेरेंट्स को लगता है कि ये तो एवरीबडीज जॉब है, इसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, फोटोग्राफी एक सुपर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है। अगर आप ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी करेंगे तो देर इज अ डिफरेंट करिकुलम, अगर आप फैशन में जाएंगे तो डिफरेंट है, अगर आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में फोटोग्राफी करते हैं तो वो भी एकदम डिफरेंट है। स्पेशलाइजेशन सबकी अलग अलग है और सभी जगहों पर पॉसिबिलिटी है, वायबिलिटी है, प्रोफेशनल सक्सेस है, फाइनेंशियल सक्सेस है। तो पेरेंट्स का भी ये जवाब कि भाई वाई फोटोग्राफी, वाई नॉट मैथमेटिक्स और समथिंग एल्स, उसका जवाब यही है। तो स्टूडेंट्स का एक क्वेरी ये भी रहता है कि आप लोगों का टीचिंग पेडागॉजी क्या है। ओके, टीचिंग पेडागॉजी। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहां बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलना चाहता हूं। आईआईपी का ट्रस्ट जो डेवलप हुआ है वो सिर्फ हमारी करिकुलम टीचिंग पेडागोजी पढ़ाने का प्रोसेस क्या है, उस वजह से सक्सेस रेट जो है हमारा 100% क्यों है, क्योंकि हमारी पढ़ाने का तरीका, उस वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेंटर्स हमारे यहाँ बहुत बेटर हैं और दूसरी जगह नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। मेंटर्स का अपना एक एक्सपर्टीज होती है, टेक्निकल भी होती है, आर्ट एस्थेटिक्स होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो उनका होता है उस बेसिस पे वो बहुत कुछ यहाँ कराते हैं, वो सब कुछ तो है ही, बहुत गहराई है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये बात कि फोटोग्राफी उस तरह की कोचिंग भी है जैसे क्रिकेट में होती है। आप फोटोग्राफी में कुछ करना चाहते हैं और जो आपके कोच हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए, वो आपके इंस्टिंक्ट्स को समझते हुए, वो आपके कम्युनिकेशन को समझते हुए, आप किस बैकग्राउंड से उठ रहे हैं उसको समझते हुए एक पैकेज करते हैं हम लोग। इस पैकेज के बाद तय होता है कि स्टूडेंट्स का सक्सेस किस तरफ ज़्यादा बेहतर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर स्टूडेंट को, पेरेंट्स को बताना ज़रूरी है हमें कि आप, और वो तीन महीने बाद, तकरीबन तीन महीने बाद, या तो हम जब एडमिशन करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, तभी हम फाइनल कर सकते हैं, करते भी हैं उन स्टूडेंट का जो मैच्योर है और जिनको क्लैरिटी है कि मुझे तो वाइल्ड लाइफ करना है सर, और कुछ तो करना ही नहीं है। ये आपका बिल्कुल ही बहुत ही सही आंसर था सर। ये क्वेरी आती है कि मुझे बाय चांस अगर मैंने फोटोग्राफी कोर्स शुरू भी कर दिया, बट मैं फोटोग्राफी के बारे में, मतलब मेरे माइंड में आ गया मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, बट मुझे, मेरे को कौन सी तरफ फोटोग्राफी करनी है, मतलब जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में करना है, क्या मेरे को गाइडेंस मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही सोच लेते हैं कि सर मेरे को ना वाइल्ड लाइफ करना है, कुछ ऐसे होते हैं जो फैशन करना है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनने पहले से सोच लिया, कुछ स्टूडेंट है किसी को देख के उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि मेरे को फैशन कर लेना है, बट दे आर कन्फ्यूज कि मुझे ये इंटरेस्ट तो इस जोनर में जगह है, बट जो अर्निंग वाला बेस है वो मेरे लिए क्या सही रहेगा। दो बातें
जो अभी रोमियो ने पूछा है उसमें दो बातों का जवाब मुझे देना है। पहला तो टीचिंग पेडागोजी पूरा नहीं हुआ है, उसको भी मैं पूरा कर दूं। देखिए प्रैक्टिकलिटी, थ्योरी और बहुत सारी लर्निंग, इसको मिला करके, यानी एक तो हमारे यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लर्निंग करते हैं, तब जा कर के वो पूरा स्टडी का कंटेंट तैयार होता है। वो स्टूडेंट के अंदर जो जो पर्सनैलिटी इम्बाइब होनी है या उनकी जो अवेयरनेस का लेवल बढ़ना है वो वहाँ से शुरू होता है। पहली बात, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल भी होती हैं जो हिस्ट्री से उठती हैं। आर्ट और एस्थेटिक्स है, उसके कुछ रूल्स हैं। अब रूल समझाने हैं तो ऑब्वियसली कहीं कंटेंट तो लिखा है ना। हमारे पास में तो इंसाइक्लोपीडिया फोटोग्राफी है जो कि 1400 पेज का इंसाइक्लोपीडिया बुक है। अब हम इतनी गहरी साइंस में तो हम नहीं जाएंगे, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल कहाँ से आता है, किसने इसकी खोज करी, ये सब की जानकारी हमें क्या करनी है, हमको इंजीनियर तो बना नहीं रहे। लेकिन अगर आप आर्ट कर रहे हैं और आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली कमर्शियली वायबल होना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रेट मास्टर्स को पढ़ना होता है, हिस्ट्री को समझना होता है, कब कब डेवलपमेंट हुआ है फोटोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी और आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी, किस कंट्री का क्या अप्रोच रहा है, कौन किसी कितना अवेयरनेस है उनके यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रेट मास्टर्स को ही हम पढ़ाते हैं तो वो उनको भी इसलिए पढ़ाया जाता है कि जिन चीज़ों पर उन्होंने काम किया है वो नॉलेज स्टूडेंट के अंदर एम्बाइब हो, जब वो अपने आइडियाज़ को क्रिएट करे, जब वो अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करे, तो कहीं से इंस्पिरेशन आएगा, कहीं से इन्फ्लुएंस आएगा, किसी का एग्जीक्यूशन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती हैं, तब जा कर के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बनते हैं। ये तो हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन जिसका जवाब था ये, और दूसरा आपने पूछा जोनर कि स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए। होना चाहिए, दो तीन बातें हैं इसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट का पर्सनैलिटी क्या है, स्टूडेंट्स के इंस्टिंक्ट्स कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंस है, अगर किसी स्टूडेंट में पेशेंस देखने को मिलता है, किसी में एग्रेशन देखने को मिलता है, कोई बहुत ही सिंसियर पंक्चुअल इस तरह से बिहेवियर होते हैं, उनके आज की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल, उनके फैमिली का सिस्टम क्या है, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए या आप बिजनेस करना चाहेंगे, फ्रीलांसिंग में जाना चाहेंगे, कई बार हाई रिस्क जोन में एंटर करना स्टूडेंट्स को दिक्कत कर सकता है, आपका इंटरेस्ट अगर ट्रेवल में नहीं है तो नेशनल ज्योग्राफी आपके लिए क्या कर सकती है, अगर आप फैशन में जाना चाहते हैं तो वाइल्ड लाइफ ऐप के लिए क्या करेगा। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही कैलकुलेटेड मूव करने होते हैं, क्योंकि एक साल की लर्निंग है मात्र, तो एक साल की लर्निंग में आपको फाउंडेशन भी तैयार करना है, एडवांस भी, एडवांसमेंट भी है उसमें, वो भी आपको समझना है, स्पेशलाइजेशंस को भी समझना है कि कौन से जोनर में मेरे मेंटर्स और मैं मिलकर तय कर रहे हैं और उसकी एक्सपर्टीज करनी है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, और फाइनली एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो डेवलप करना है। तो इस बात को अगर हम शॉर्ट में करें तो स्पेशलाइजेशन तय होती है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत सारे तय करके आते हैं, वाइल्ड लाइफ में करना है और हाँ। वो वही कर रहे हैं, बहुत सारे फैशन को लेकर के सीरियस होते हैं तो वो फैशन करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमने ऐसे देखे हैं जो आते तो ट्रेवल फोटोग्राफी करने हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने हैं, लेकिन जब यहाँ आके एक्सपीरियंस करते हैं वो देखते हैं, समझते हैं सिस्टम्स को, मेथोडोलॉजी को, टीचिंग पेडागोजी को, उनको जब एक्सपीरियंस और लर्निंग आनी शुरू होती है तो उनको लगता है मेरे लिए इससे बेहतर वो है। राइट, तो प्रोजेक्ट्स तय करते हैं, आपका पोर्टफोलियो तय करता है कि आप उस तरफ बढ़ें, और वहीं फिर आपकी प्लेसमेंट्स और वहीं आपका फिर फ्रीलांसिंग होना है, अपना करना है, अगर इसको अपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में करना है तो ये तय होता है। अच्छा, तो जब एक स्टूडेंट फाइनली ये डिसाइड करता है कि उनकी क्वेरीज भी होती हैं स्टूडेंट्स की, एक पहला उनको क्वेरी होता है कि वाइल्ड लाइफ में अर्निंग कैसे होती है, दूसरा उनको क्वेरी होता है कि जब फैशन में, मतलब हाउ टू बिल्ड देयर ओन क्लाइंट, हमें जो है क्लाइंट्स को खुद अप्रोच करना होता है या फिर IAP हमें हेल्प करती है कि टू डेवलप आर क्लाइंट्स, तो वो अर्निंग एक सोर्स उनका क्लियरली उनको ट्रांसपेरेंटली दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वाइल्ड लाइफ एक टफ जोन है,
ठीक, हम अपने स्टूडेंट को क्या गारंटी करते हैं कि देखिए आप अपने पैशन को छोड़ेंगे नहीं, जिस चीज की वजह से सब कुछ त्याग आप कर रहे हैं, बी इट वाइल्ड लाइफ और ट्रेवल और एनी अदर जॉनर जहां पर बहुत सुपर स्पेशलिटी है, करना आपको वही है लेकिन प्रोसेस को हम हल्का सा फ्लेक्सिबल करते हैं बस। हमारे जो स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ में अभी काम कर रहे हैं उनको हमने कैसे गाइड किया वो मैं आपको बताता हूँ। विशाल भगत पंजाब से आए थे, जी गौरव चौधरी, ऐसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं, कपिल देव और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं अभी भी, लास्ट ईयर भी दो एक स्टूडेंट्स पास आउट होके गए हैं तो वो वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं। क्या है कि वाइल्ड लाइफ में जो प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो लंबा है थोड़ा सा, आपके पास में डेटा होना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट्स, आपके पास आपको टूर्स बहुत करने पड़ते हैं। अब जब इतना सारा डेटा होगा तब जाके आप प्रेजेंट करेंगे, कोई एग्जीबिशन करेंगे, कोई कॉफी टेबल बुक बनाएंगे, कोई किसी को सेल करेंगे पिक्चर्स। अब पिक्चर्स ये 150 हैं तो नहीं चलता ना काम, तो आपको क्या करना होगा, एक डेटाबेस, स्टोरीज डेवलप करनी पड़ेंगे, प्रोजेक्ट डेवलप करने पड़ेंगे। अब क्योंकि वहां उस वक्त पैसा नहीं है, अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको जिम कॉर्बेट जाना है, बांधवगढ़ जाना है, कीनिया में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, उधर आसाम की तरफ जाना है, कहीं पर भी जाना है, रणथंबोर गुजरात कहीं पर भी, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर इफ यू आर वेल ऑफ, सपोर्ट सिस्टम ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं लेकर आते हैं तब आपको इसके पैरेलल एक और लाइन करना पड़ता है, विच इज से ट्रेवल फोटोग्राफी। ट्रेवल में आप होटेल्स, रिजॉर्ट्स, इनके साथ शूट्स शुरू कीजिए, हमारे स्टूडेंट्स ने करा है, करते हैं, वहां से अर्निंग आनी शुरू हो जाती है, आपके एक्सपेंसेस मीट आउट होने शुरू हो जाते हैं, ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करना शुरू करते हैं तो किट डेवलप होती है, क्योंकि लेंसेज हैं और बाकी के गियर्स हैं तो वो महंगा है वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में खासकर। आप अगर आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो भी आपके कुछ डिफरेंट लेंसेज हो जाते हैं, फिर वो ये लेंसेज नहीं चलेंगे, कोई और लेंस चलेंगे। तो ये किट बनाना, अपने आप को सिस्टम को डेवलप करना, इसमें एक इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर आप हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं तो आपको पैरेलल लेवल पे एक और लाइन साथ में लेके चलनी है, जहां से सोर्स ऑफ इनकम आएगा, कमर्शियल वायबिलिटी होगी, आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, इसको साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे हम क्या सजेस्ट करते हैं, अभी एक स्टूडेंट ने, किसी ने किया था तो मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको हमने ये सजेस्ट किया, हाँ ईशान गर्ग, ईशान ने बोला कि सर मुझे तो ट्रेवल करना है, मेरा तो पैशन ही स्ट्रीट है। तो हमने उनको क्या बताया, क्योंकि पेरेंट्स से पहले कमिटमेंट हो चुका है, कमर्शियल वायबिलिटी होगी, तो उसको हमने ये गाइड किया कि 5 दिन आपको अर्निंग पर लगाना है और 2 दिन आपको स्ट्रीट, जो अपने पैशन है उस पर लगाना है, यानी वहां भी डेटाबेस बन रहा है और ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि इनकम भी बन रहा है। यस, तो इस तरह से हम मिक्स मैच करते हैं, वहां से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है, पेरेंट्स को भी एक बिलीफ आ जाता है कि ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि स्टूडेंट इज डूइंग गुड। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही सिद्धार्थ आया था, BFA किया उसने, अब वो कमर्शियल जोन से निकल करके उसको एक छोटा सा कोविड में फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके पास, उसको मीट आउट करने के लिए उसने, वो अमेरिका गया है, वहाँ वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, एक बहुत अच्छी अर्निंग वो कर रहा है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफर्स को भी फ्यूचर प्लानिंग जरूर करना चाहिए, वेल्थ मैनेजमेंट बोलते हैं ना, ये सब करना चाहिए, क्योंकि 5 साल अगर आपने इस जोन में काम कर लिया और अपना एक सेट कर लिया, थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया, फिर आप निकलिए, तब तक आपका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, आपकी लैंग्वेज, आपका कमांड अच्छे से आ चुका होता है। इस तरह से हमें प्रोफाइल को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स का ये है कि व्हाट IIPs एलुमनी आईज आर डूइंग, जो यहाँ से पास आउट वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं? अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है कि क्यों आप IIP पे ट्रस्ट करें,
आपने जहां भी एडमिशन लेना है आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आपका सक्सेस रेट क्या है, वन, आप के पास आउट स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किन ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैचलर्स में भी होते हैं और डिप्लोमा में भी होते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स ब्रांड्स, दुनिया के जो बड़े ब्रांड्स हैं, यू नेम इट वी हैव इट। कैसे? जर्मनी की कोई कंपनी, अमेरिका की कोई कंपनी, इंडिया में बहुत सारी कंपनी, ऑस्ट्रेलिया में, ये तो हो गए कंट्रीज, कंट्री वाइज हमारे स्टूडेंट प्लेस्ड हैं, किस स्टैंडर्ड के ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, ऑल टॉप ऑफ द लाइन। मैं कुछ ब्रांड्स के अगर नाम लेना चाहूँ तो इस तरह से है, जैसे नेशनल ज्योग्राफी, टाइम्स ऑफ इंडिया, गूगल, आपके मिनिस्ट्रीज, मर्सिडीज, बहुत सारे, मतलब कंपनीज, हाँ, ये सब। इन सब में हमारे स्टूडेंट्स अर्न भी अच्छा करते हैं, एक ब्रांड एसोसिएशन है तो ब्रांड के साथ काम करने में कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल का होता है। ये तो हो गया जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में, अब आता है फ्रीलांसिंग के कॉन्टेक्स्ट में अपना स्टूडेंट, जैसे हमारे यहाँ से अंकित, अंकित चैटर्जी, या आप बोलें तो देव बत्रा, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट पास आउट होके गए फ्रीलांसिंग में, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दे आर अर्निंग वेरी वेल, यानी मैंने एक बार कोट मंगाया था अंकित का तो 70,000 rupees अ डे। देव से भी मैंने ये कुछ कुछ एक्सरसाइज हम करते रहते हैं ना पीछे से, उनको नहीं पता होता कौन कोट मंगा रहा है, पर हमें पता है कि हमें चेक करना है। तो देव का तो 4-5 lakh rupees के नीचे कोई प्रोजेक्ट नहीं करते वो। माय पॉइंट इज के स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो इस लेवल की है कि वो छोटा नहीं सोचेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, उतरेंगे तो रूल करेंगे। थर्ड, वो टॉप ऑफ द लाइन जो फोटोग्राफर्स हैं उनको असिस्ट भी करते हैं। जैसे दिलीप, जैकब दिलीप है, या सीतन में है, या निखिल चौधरी हैं, और भी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो बड़े फोटोग्राफर्स को, रेप्यूटेड और सेलिब्रेटेड जो हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। अब तो कई बार छोड़ के अपने भी काम शुरू कर चुके होते हैं क्योंकि लर्निंग का फेज अब लंबा हो गया है, तो नाउ दे आर डूइंग, इस तरह के फोटोग्राफर्स को भी वो असिस्ट करते हैं। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एक और जोन है विच इज प्री वेडिंग, मैटरनिटी और वेडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, इस तरफ भी जाते हैं, बहुत पैसा है और इमीडिएट है। ये तय आपको करना है। एक समय था जब हम सुनते थे कि हमारे स्टूडेंट्स ई कॉमर्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, और बहुत लो, इतनी कम वैल्यू आंकते थे, मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और मैंने क्रॉस कर दिया, मैंने कहा ऐसे हमें नहीं पढ़ाना, अगर आपने ये जाके इस काम को करना है तो आर्ट को आप नहीं समझ रहे हैं, आर्ट की वैल्यू को भी आप नहीं समझ रहे हैं। ये आपको अभी तो अच्छा लग रहा है सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये आपको तकलीफ देगा। Never enter into a small business. Small business. उससे बेहतर है आप जॉब करें, ज्यादा अर्निंग होगी। छोटा नहीं सोचना है, छोटा नहीं करना है। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल हैं, उन्होंने अपने इंतजार किया है राइट मोमेंट का, लेकिन उन्होंने लोकल छोटा नहीं सोचा है। यही मैं आपको भी और अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट ही बिजनेस है, मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही बिजनेस हूँ, विजन डेवलपमेंट, बिजनेस पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, ग्रूमिंग, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट को जो थर्ड सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं वो होता ही टेक्निकलिटीज अबाउट कैमरा, लाइटिंग एंड एवरीथिंग, रूल्स ब्ला ब्ला। दूसरा है आर्ट और एस्थेटिक्स, मास्टर्स को स्टडी करना, वो सब साथ साथ चलता है, वो लर्निंग का प्रोसेस है। लेकिन थर्ड सब्जेक्ट जो है वो ये बिजनेस। अगर आप आज अपने बिजनेस को समझ गए, अगर आप आज कहां पहुंच सकते हैं इसको समझ गए, तो आप तैयारी भी ठीक कर सकते हैं। यानी आप ओलंपिक्स खेलना चाहते हैं और ये सोच के खेलेंगे कि जी मैं तो सिकंदराबाद के किसी गवर्नमेंट स्कूल से करूंगा तब जाके होगा, नहीं। आपको
एक अच्छी एकेडमी को चूज करना है, मेंटर से बात करनी है, सक्सेस रेट को चेक करना है, तब एडमिशन लेना है। सर अब एक ये बड़ा कॉमनली क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नियरेस्ट रहते हैं, कुछ लोग दूर रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं। स्टूडेंट्स में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पूरे वीक टाइम नहीं होता, सैटरडे संडे उनके पास समय होता है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मैंडेटरी है कि हमें सारे क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने, या फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी है? हमारे पास में एक ऑप्शन है इन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर वर्किंग, फोटोग्राफी को ऑल्टरनेट इनकम सोर्स बनाना चाहते हों, या फोटोग्राफी को एज अ पैशन ही लर्निंग करना चाहते हों, और वो मंडे टू फ्राइडे यानी रेगुलर डेज में नहीं आ सकते क्योंकि जॉब्स है या कुछ उनके एंगेजमेंट्स हैं, कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में एक हाइब्रिड मॉडल है। इस हाइब्रिड मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो वर्किंग हैं, स्टडीज कर रहे हैं, कहीं और एंगेज हैं, उनको एक्सेस देते हैं हमारा ऑनलाइन सिस्टम, यानी उनके जो क्लासेस हैं जहाँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, प्रेजेंटेशंस हैं, डिस्कशंस हैं, वो ऑनलाइन के अंदर वो जुड़ जाते हैं। लेकिन सैटरडेज को और अब शुरू करेंगे तो संडेज को भी, क्योंकि संडेज का अभी तक ऑफ है, कोविड के बाद हमने संडे ऑन नहीं किया है, तो अभी हम खोलने वाले हैं। सैटरडे संडेज को आप आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंटर्स के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, लाइब्रेरी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल पार्ट जो कि वहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। पहले ये सिस्टम ओपन था और हमारे स्टूडेंट्स ने इस सिस्टम को भी फॉलो करके अच्छे अचीवमेंट किए हैं। और फिर क्या होता है, कई बार आपको इसलिए भी स्टडीज करना होता है कि आप पहले से जहाँ जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट हाउसेज में हो, टाटा बिरला किसी भी कंपनी में हो, चाहे आप मिनिस्ट्रीज में हो, कॉरपोरेशंस में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। ये रिक्वायरमेंट आपके मैनेजमेंट की भी रहती है, यानी ऑफिस की भी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आप वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं हर साल आप अपने। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, या हमारे को स्टूडेंट ही बोलना पड़ेगा, जो वीपी है टाटा कंसल्टेंसी में या किसी WHO में या कहीं और बड़े बड़ी संस्थाओं में, लेकिन वो हमारे यहाँ लर्निंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्सेसिबिलिटी है, और वो ऑनलाइन में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आर्मी की बैकग्राउंड से भी कर रहे हैं, बताइए, आर्मी एजुकेशन और खासकर गवर्नमेंट इस सेक्टर से वैल्यू एडिशन के लिए ये कोर्स करते हैं। और डिप्लोमा इज एप्ट, यानी ये जो लर्निंग है वो कंप्लीट नॉलेज के साथ में आती है, और आपके प्रोजेक्ट होते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो जो हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी वो किया था ना एग्जीबिशन, दैट वाज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है। सर अब एक और क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को IIP से क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं वाइल लर्निंग? फैसिलिटीज हमारे यहाँ देखिए, हम लोग एक सीरियस इंस्टीट्यूशन है, हमारा ट्रस्ट भी इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि हम लोग क्लासरूम्स में, लाइब्रेरी में, आर्ट गैलरी में, स्टूडियोज में, एडिटिंग रूम में, ये सब तो किसी के यहाँ पर भी होता ही है। हमारे यहाँ जो एडिड ऑन जो मिलता है वो आपको मिलते हैं मास्टर क्लासेस, वो आपको मिलता है एनालॉग फोटोग्राफी सिस्टम। एनालॉग फोटोग्राफी का मतलब फिल्म कैमरा। हमारे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं जब से हमने एनालॉग सिस्टम को शुरू किया है तो उनकी जो क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट है, क्रिएटिव एबिलिटीज हैं आर्ट को समझने की, वो बहुत बेहतर हो गई है। और मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग काम करते थे, सीखते थे, तब हम फिल्म कैमरा पर काम करते थे, डिजिटल वर्ल्ड नहीं था तब। हम लोग जितनी भी तस्वीरें बनाया करते थे या कोई कैंपेन करते थे, प्रोजेक्ट करते थे, तो वो माइंड में डेवलप होता था, कैमरा की स्क्रीन के ऊपर तय नहीं होता था, उसमें उस वक्त दिखता नहीं था विजुअली कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अब आपको एपर्चर क्या सेट करना है, कैमरा इज अ टूल, कैमरा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि सिर्फ वो ही काम कर देगा तो काम हो जाएगा। आप आर्ट कॉलेज में, आप किसी फोटोग्राफी हमारी जैसी संस्थाओं में क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी ही तय करेगी आप आगे जाके क्या करने वाले हैं। कैमरा आपसे महंगा भी कोई खरीद सकता है, इसका मतलब ये नहीं है उसके पास नॉलेज ज्यादा हो गई। और तस्वीर बनाना आप क्यों डिफरेंट हैं, आपके माइंड का प्रोसेसर काम कर रहा है,
तब आपकी तस्वीर डिफरेंट है और लोग उसको पसंद करते हैं, और दिस इज व्हाट फाइन आर्ट इज. अगर आप अपने एक्सप्रेशन को ऐड नहीं करते हैं क्रिएटिव में, आर्ट में, वो फाइन आर्ट नहीं हो सकता. हमारे पास में सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स भी सीखने आते हैं. ऐसा भी है, मैं आपको एक और जानकारी दूं, हमारे यहाँ वो लोग जो सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं मुंबई में और मेनी अदर यू नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग भी एडवांस लेवल के कोर्सेज करने इसलिए आते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स के लेवल पर उनका नॉलेज गेन हो. टीचिंग में भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी लार्जर कोर्सेज इसलिए करते हैं ताकि वो गहराई से सोच सकें. एक छोटे आइडिया को बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन कैसे दिया जा सकता है, एक छोटे आइडिया को बुक की फॉर्म में लाना है, छोटे आइडिया को प्रेजेंट फिल्म बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटी होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स. एंड फोटोग्राफी इज द कोर, यानी आप सब्जेक्ट 100% फोटोग्राफी पढ़ने वाले हैं. हम लोग एक्सपीरियंस कराते हैं पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, आपका पॉटरी, कोलाज मेकिंग वगैरह वगैरह, सिर्फ एस्थेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में. इस टेबल पे भी आप देखेंगे जगह जगह रंग लगे हुए हैं, कुछ कुछ लगा हुआ है. आर्ट इज ऑलवेज बिफोर साइंस. ये सब स्टूडेंट्स का अपना जो माइंडसेट है या जो उनके आइडियाज हैं, ये उसका इंटरप्रिटेशन है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. और अभी भी हम स्केचिंग कराते हैं. अब हमने शुरू किया है एक और प्रोसेस जो हम हमारे कॉलेज टाइम में करते थे, स्केचिंग. आपको अगर लाइट को स्टडी करना है, अगर आपको सब्जेक्ट के शेप को, एनाटॉमी को स्टडी करना है, आपको स्केचिंग करना चाहिए. फोटोग्राफर एक आर्टिस्ट होता है. आप जितना बेहतर आर्ट को समझ जाएंगे, इस कला को समझ जाएंगे, उतने ही बेहतर प्रोजेक्ट्स आप करेंगे और उतना ही बेहतर प्रोफाइल आपका दिखाई देगा. इसीलिए आप छोटी से बड़ी टीम में एंटर करेंगे, छोटी से बड़ी जगह के ब्रांड को, बड़ा ब्रांड को आप एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है. ठीक है, राइट सर. एक क्वेश्चन, मतलब ये स्टूडेंट्स का भी है और जब हम लोग इस बारे में बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, तो उनका सवाल भी होता है. ये वो ये होता है कि फिल्म कैमरा, जिसको आज से मतलब बहुत कम जगह देखने को भी मिलता है, और डेवलपमेंट तो आज तक बहुत सारे अभी के जनरेशन तो जानते भी नहीं कि वो डेवलप कैसा होता है, लैब दिखता भी कैसा है. तो स्टूडेंट्स के लिए ये फिल्म कैमरा का जो लर्निंग है, जो पूरा प्रोसेस ऑपरेशन है, कि वो कितना बेनिफिशियल है, क्या वो आज के डेट में क्या वो अभी भी प्रोसेस में है, लोग अभी? बिल्कुल है और होना चाहिए. बिल्कुल है और होना चाहिए. देखिए, मैंने अभी आपको जो बताया है काफी कुछ तो उसमें क्लियर हो चुका है कि फिल्म कैमरा में आप डिजिटल स्क्रीन जैसी कोई चीज नहीं होती है. नहीं होती. सब कुछ मैनुअल होता है. एपर्चर क्या सेट करना है, यही लोकेशन, यही सिचुएशन 12 स्टूडेंट्स के पास है. सेम सिचुएशन, आप एक लोकेशन पे हैं, सबके पास मैनुअल कैमराज हैं, आप डिजिटल स्क्रीन एक्सेस है ही नहीं. और हम आपको बोलते हैं कि आप अपनी आज की पूरी नॉलेज के बेसिस पे एक तस्वीर बनाइए. ठीक है. अब क्योंकि स्टूडेंट्स को डिजिटली स्क्रीन को देखने की आदत पड़ गई है, जो कि कैलिब्रेटेड नहीं होती है. राइट. वो एक अलग कॉन्ट्रास्ट निकाल के और कलर बना के डिस्प्ले में दिखा देता है. ठीक है. अब अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है और आप उसको मान लेते हैं ये तस्वीर मेरी बन गई, रिजल्ट वही आने वाला है, तो रिजल्ट वो नहीं आता है. और वो नहीं आना चाहिए क्योंकि तस्वीर आपके कला से, आपके माइंड में कॉम्बिनेशन ऑफ 3 H, हेड, हार्ट और हैंड, ये 3 का कॉम्बिनेशन है. अगर ये नहीं लगा रहे हैं आप और आप सोच रहे हैं कि कैमरा कर देगा, तो आप बड़ी भारी गलती पर हैं. आपने अपने अंदर का पोटेंशियल तो यूज ही नहीं किया, आपने तो कैमरे का पोटेंशियल यूज किया है. फिल्म कैमरा इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां आप काम करते हैं, कैमरा आपको असिस्ट करता है, सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है कि जो थॉट प्रोसेस है उसका सिंक्रोनाइजेशन इस कैमरा से है और वो आउटपुट देगा जो आपने मांगा. राइट. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नंबर वन. नंबर टू, पेशेंस सीखते हैं आप उससे. आप एक प्रोसेस में जाते हैं फिल्म के अंदर, आप उसको पहले डेवलप करते हैं, फिल्म को डेवलप करते हैं, फिर उसका एक कॉन्टैक्ट शीट निकालते हैं, उस बेसिस पे आप तय करते हैं, फिर जा करके आप उसके प्रिंट्स निकालते हैं. ये लर्निंग का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, लर्निंग भी आती है और बहुत कुछ आप सीखते हैं. और जो हमारे अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या मास्टर्स के,
उनको उनके काम में उनको खुद रियलाइज होता है कि अब बोलते हैं सर डिजिटल पे जाने को मन ही नहीं करता है। हमने खुद भी अभी एक दो हफ्ते पहले देखा भी था, स्टूडेंट ने फैशन किया भी हुआ था, पूरा फैशन शूट जो आई थिंक वरुण का है, वो वरुण दत्त, वरुण ने कैमरा से किया हुआ था। यस, सो इसलिए इम्पोर्टेंट है, और मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस लर्निंग को कर लेंगे तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। राइट, ये बहुत ही अच्छा सबके लिए नॉलेज, और ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीएफए के लिए, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को भी वो उठाना है कैमरा, सो दैट, और हमारे पास है, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास कैमराज हैं, हम लोग अपना कैमराज भी दे देते हैं, 35mm भी और 120 फॉर्मेट भी, स्टूडेंट उसको करते हैं। हाँ, अभी ये भी एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हम लोग वो कैमरा इस वक्त कहाँ मिलेगा, फिल्म कहाँ पे मिलेगा, हर चीज़ की गाइडेंस सब अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और क्वेश्चन है सर, बड़ा ही कॉमन और सबका यूजफुल ही होगा वो क्वेश्चन, वो ये है कि व्हाट इज अर्न व्हाइल यू लर्न। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं मेरी स्टोरी छोटी सी बता देता हूँ। मैंने अपने 10th 12th वाले टाइम पर बहुत ही पैसे को बहुत कैलकुलेटेड देखा था, यानी इतने हैं तो ये महीना चलाना ज़रूरी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है पैसे की तो आप माइनस में आ जाएंगे। तो मुझे लगता था कि पैसा की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, पैसा कमाना है। ठीक है, आज भी जब स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से आए, हमने सुना है ना कनाडा लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वो पढ़ते भी हैं बट साथ साथ काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी साथ में, वो क्यों करते हैं जबकि वो वेल ऑफ हैं, लाखों रुपए खर्च के कनाडा गए, क्योंकि जो वो एक प्रोसेस है, पैसे की वैल्यू पता होना चाहिए कि भाई मैं जिस चीज की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा उसकी वैल्यू क्या है। एक पेरेंट्स ने सारे प्रिविलेजेस दे रखे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे पेरेंट्स ने तो क्रेडिट कार्ड बना के दे रखे हैं स्टूडेंट्स को खर्चो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अभी से ही कुछ एक्सपोजर लें, और हम क्योंकि ये टीचिंग एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता है तो हम प्रमोट करते हैं इसको, बट हम डिस्करेज कहाँ करते हैं, जब आप लर्निंग से ज़्यादा उस अर्निंग पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ अर्न व्हाइल यू लर्न एक प्रोसेस है, आप इंस्टीट्यूट की जो भी लर्निंग है उसके साथ साथ पैरेलल लेवल पे कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं, और हम आपको प्रमोट भी करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं, भेजते भी हैं। और हमने उन स्टूडेंट्स को बढ़ते हुए देखा है जो इसको करते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क बन रहा होता है साथ साथ, वो लोग 10 लोगों को पहचान चुके होते हैं कि वो एम्बेसी में है, वो उस कल्चरल डिपार्टमेंट में है, वो इस मैगजीन में है, वो इस तरह का कोई सीनियर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला है। ऐसे 10 लोगों को अगर आप जान गए ड्यूरिंग योर लर्निंग तो आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी पैसा कमाने में। तो आपको अर्न करना है व्हाइल यू लर्न, इसके 2-3 और ऑब्जेक्टिव भी हैं कि भाई आप लर्निंग कर रहे हैं तो अर्निंग, केवल पेरेंट्स के पास एक लिमिटेड स्कोप होता है फाइनेंशियल, तो उनको भी तो सपोर्ट कर सकते हो ना, आप अपने एक्सपेंसेस को खुद ही उठा लो, तो आपके पेरेंट्स पे प्रेशर कम हुआ, फिर आपको नए नए गैजेट्स खरीदने, कैमरा खरीदना है, लेंसेज खरीदने हैं, ट्राइपॉड लेना है, दुनिया भर की लाइटिंग सिस्टम आपको कई बार लेना पड़ जाता है, स्टूडेंट जो आगे निकल जाते हैं वो अपने लाइटिंग सिस्टम को भी खरीद लेते हैं, तो वो सब जरूर थोड़ा ना पेरेंट्स को बोलना है। आप इसको समझिए, और हमारे यहाँ जो हमारा जो भारतीय थॉट प्रोसेस है वो ये है, पैसे की वैल्यू करना सीखिए पहला, दूसरा पैसे कमाने का शौक पैदा कीजिए, शौक ये भी जरूरी है, और ये हम टीचिंग प्रोसेस में सिखा देते हैं। एक दो स्टूडेंट हमारे हैं जो जरा ज्यादा कर रहे हैं, मुझे आजकल दिख रहा है, मैं उनको पकड़ने वाला हूँ, ध्यान देना स्टूडेंट वो ज्यादा पैसा कमाने पे लग गए हैं। चलिए, तो अब एक और एक क्वेश्चन है जो कि इवन मैं भी देखता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल भी होता है कि क्या सर कोर्स करना ज़रूरी है। मैं हम लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे भी मिल रही हैं, और हमारे कोई किसी के मामा हैं, किसी के जीजा हैं, किसी के कोई रिलेटिव में जिनका फ़ोटो स्टूडियो, वहाँ पे भी जाके सीख लेते हैं फोटोग्राफी, क्या वो इनफ होगा उनके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमसे आज से कोई 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैं अगर किसी फोटोग्राफर को अच्छे सीनियर लेवल के, अब तो स्टूडियो और छोटी उसकी बात करी आपने, एक अच्छे बड़े फोटोग्राफर को मैं असिस्ट करता हूँ वर्सेस मैं एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता हूँ, तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए, जब आप इंस्टीट्यूट आते हैं तो आप 360 डिग्री लर्निंग कर रहे होते हैं, यानी फुल सर्कल। जब आप किसी फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं, यानी उसकी स्पेशलाइजेशन या तो फैशन हो सकती है, या वो स्टूडियो फोटोग्राफी कर रहा है, या फिर वो फिल्म को लेकर के कुछ कर रहा है, और वो आपको सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा है। आपको उसको असिस्ट करना है, आपको उनके सिस्टम को समझ करके उनको सपोर्ट सिस्टम में आना है। वो आपको ब्रांड की तरह से तैयार करने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। राइट। बशर्ते आप जब इंस्टीट्यूट जाते हैं तो आपके पास में एक मेंटर नहीं होता है, आपके पास में चार मेंटर होते हैं। लाइब्रेरी होती है, एक्सपोजर होता है, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ होती है, ग्रेट मास्टर्स पर लर्निंग होती है, इंस्पिरेशन, इमिटेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, आप पढ़ते हो उनको। तो आपके पास में आप एक प्रोसेस से तैयार होकर एक लेवल तक जाते हो, तब शुरू होता है अपना नेक्स्ट लेवल। अगर आप फोटोग्राफर खुद ही स्ट्रगल कर जाए तो फिर क्या होगा, फिर आप कहाँ जाओगे? यानी आपने जो बेसिक लर्निंग लेनी थी, जो नेचुरली ग्रोन अप सिस्टम होना चाहिए था, ग्रोइंग अप सिस्टम होना चाहिए था, वो तो आपने अडॉप्ट ही नहीं किया। तो वैसे तो मैं इंजीनियरिंग भी खुद ही कर लूंगा और डॉक्टरी भी खुद कर लूंगा, क्रिकेट भी मैं खुद ही खेल सकता हूँ। तो लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो जिस दायरे में आप एंटर करना चाहते हो वहाँ के एथिक्स को भी समझना है, बिजनेस को भी समझना है, चैलेंजेस को भी समझना है, हर तरीके से तैयार होने तब एंटर करना है किसी फील्ड में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप जब प्रोफेशनली ये कोर्सेज करते हो तो आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस बेस पे जहाँ तक मेरे को सब लगता है कि दे गेट अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड ऑल्सो जो ओवरसीज जॉब्स उनको आते हैं, ओवरसीज असाइनमेंट्स आते हैं, ये सब तभी आते हैं जब वो कोर्स कर देते हैं। अब वाई IIP स्टूडेंट्स का सबसे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, अकेडमीज हैं, मतलब वो गूगल करेंगे तो नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आ जाए, सो देन वाई दे सेलेक्ट IIP। ये जब भी आप किसी ब्रांड को चूज करते हैं, बीट अ कोला, रियल एस्टेट में कोई ब्रांड, कपड़ा खरीदते हैं, तब भी वाई ए वाई नॉट बी आप ये सब तय करते हैं, ये नेचुरल बिहेवियर है हमारा। चार चीजें हैं, एक्सपर्टीज, इफेक्टिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस और अथॉरिटेटिवनेस। इस बेसिस पे आप तय करते हैं कि मुझे क्या करना है। राइट। जो एकेडमीज वन मैन शो हैं वर्सेस जो यूनिवर्सिटीज एक एक बार में 60-70 लोगों को पढ़ा रही हैं, वो मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से तो ठीक नहीं है। कैसे, क्यों? देखिए जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में एक कोच की जरूरत होती है और उस कोच को पता होता है इस बच्चे को मैंने कैसे तैयार करना है। ऐसे ही फोटोग्राफी या फोटोग्राफी से जैसे जुड़े हुए आर्ट कॉलेजेस में हम जहां से पढ़े हुए हैं वहां पर 15 का एक बैच होता है। वाई नॉट 500? वो तो गवर्नमेंट का है, कितनों को ही भर्ती कर लो, कितने एडमिशन लिए जाओ, लेकिन फिर भी 15, उसके पीछे कोई सोच होगा? सोच सिर्फ इतना है, क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, क्वांटिटी नहीं। सो पहला हमारा ये कि हम लोग 16 स्टूडेंट्स के बैच पर काम करते हैं और उन 16 को हीरो बनाना है, उन्हीं को जिद है कि वही फ्यूचर फोटोग्राफर्स होंगे, इसलिए IIP। वन नंबर टू हमारा टीचिंग पेडागोजी जो यूनिक है, हम खुद हमारे यहाँ जितने भी हम सब लोग हैं हम सब क्रिएटिव बैकग्राउंड्स हैं और सक्सेसफुल प्रोफाइल्स हैं। मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग करके आया हूँ, कोई प्रोडक्शन फिल्म मेकिंग के बैकग्राउंड से आया है, किसी ने फाइन आर्ट पे PhD और या MPhil किया है, PhD परसुइंग है, कोई मास्टर्स करके बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है, ऐसे ये सारा सिस्टम मिलकर के एक गुरुकुल बनता है, एक इंस्टीट्यूशन बनता है, एकेडमी बनती है, और तब जाकर के स्टूडेंट्स तैयार होते हैं जो इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो प्रूव करते हैं दैट वी नो द जॉब और हम आपके टीम में इसलिए फिट बैठते हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा एक और कारण है, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बड़े गर्व से बोलता हूं, बहुत मेरे को खुशी है इस बात की,
हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं तो उनको प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट है। हम लोग के ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ ये है कि अब स्टूडेंट्स के करियर बनाने हैं। हमने जो करना था वो कर लिया, देख लिया, एस्टेब्लिश कर लिया, घूम फिर के सब कुछ देख लिया, टर्नओवर्स भी देख ली। अब स्टूडेंट्स को तैयार करना है, क्योंकि जो स्ट्रगल हमने किया था अब वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा सक्सेस रेट अलग है दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में। हम लोग इसलिए अलग हैं, ठीक है, इनोवेटिव हैं, डिवोटेड हैं, डिटरमिंड हैं, हर तरीके से हमने अपने आप को सेट किया है। इट्स अ गिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोग लेने के लिए नहीं बैठे हैं, बट दुनिया को देने के लिए बैठे हैं, इसीलिए आईपी। फिर उसके बाद आता है करिकुलम। करिकुलम हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड है, पहली बात। ये तो हो सकता है बहुत ओके होंगे, लेकिन हमारा ईच एवरी डे इज अ न्यू डे। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, हमने अपने सिस्टम को अडॉप्ट किया तुरंत। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जी वो अप्रूव करेंगे, वो प्रोसेस में जाएगा, 6 महीने लगेंगे। आइए सब बैठेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, सिस्टम को समझेंगे और अपने आप को अपडेट कर देंगे। तो ये जो क्विक अडेप्टेबिलिटी है, ये हमारे यहाँ पर यूनिक है। अथॉरिटी अप्रूवल इमीडिएट। और उसके बाद में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम हर स्टूडेंट में एक ब्रांड ढूंढते हैं, जैसे कि आप बताते हो इस बात को कि हमारे स्टूडेंट। यस, मैं एक ब्रांडिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने बहुत ब्रांड्स बनाए हैं, एस्टेब्लिश किए हैं और दे आर एंजॉइंग आज, यू नो। और यही फॉर्मूला मैं हर स्टूडेंट में देखता हूँ, उसके बिहेवियर में, उसके उठने बैठने में, उसकी स्पीकिंग स्किल्स क्या कहती हैं, वो सीरियस है या नॉन सीरियस है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ। मैंने अभी कल जो हमने वीडियो किया उसमें निखिल चौधरी को मैंने बोला ये नोटोरियस है। हाँ, ऐसे ही हमारा एक स्टूडेंट होता था मोहित, मोहित जीना। वो भी शरारती था। वो इवेंट, उसको जिस दिन हमने एक इवेंट दिया, राहगिरी करके जो एक इवेंट होता है, जिस दिन हमने उसको हैंड ओवर किया ये तुम करोगे, उस दिन से मेरे को वो प्रोफाइल समझ में आ गया कि इस बच्चे में कितना ताकत है। उसने वो कंप्लीट तो किया ही अपने आप, पूरा वन मैन शो किया उसने, सारी टीम बनाई, पूरा ग्रुप बनाया, जाके किया वो सब। और आज ही ऑटोमोबाइल एक्सपर्टीज उसकी है, शुरू किया था उसने आई थिंक मर्सिडीज से, फिर वो गया हार्ले डेविडसन, फिर उसने और कई इस तरह की जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ काम किया है। उसने एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड पर भी काम किया है, आजकल भी उसी तरह की किसी कंपनी में है। मैं अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हूँ उससे, बातचीत नहीं हो पाती है। तो ही इज सच्चा प्रोफाइल। दूसरा निखिल, मैंने आपको बताया निखिल का अग्रेसिव नेचर था, शिकायत आती थी, सर निखिल ने ऐसा बोल दिया, सर निखिल ने वैसा कर दिया सर। तो मैंने एक दिन बुला लिया उसको, मैंने कहा निखिल जरा आ जाओ। अब निखिल जब मेरे पास आके बैठा तो पैरों को भी हाथ लगाया, उसने सारी बातें भी बताई, सर वो ऐसा था वो वैसा था, स्कूल स्टूडेंट्स टाइप के। हाँ। लेकिन आज ही इज अ वंडरफुल फोटोग्राफर, ही इज इंजॉइंग हिज लाइफ। मतलब डिसीजन लेने के पहले वो डिस्कस भी करता है, ऐसा नहीं है। और मैं देखता हूँ कि वो मुझसे कह रहा है कि सर मैं प्रभास शेट्टी को कम से कम सर 3 ईयर्स तो आई शुड गिव। अब देखिए एक बच्चा जो रोज नई बातें करता है वो आज क्या कह रहा है अपना पास आउट होने के टाइम पे, एटलीस्ट 3 ईयर्स आई शुड गिव टू सर और मैं उन्हीं के साथ में रहना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। वो उसने किया विद ड्यू रिगार्ड और वो बहुत रिगार्ड करता है, हमारा भी, प्रभा साहब का भी, सबका, ऐसे सभी जो मेंटर्स हैं उसके। और आज वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है। मैंने आपको बताया एलुमनाई को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी वो बीइंग एलुमनाई उसने एंगेज करना शुरू किया है, अपॉर्चुनिटीज देना शुरू किया है। कितनी बड़ी बात है ये। सो माई पॉइंट इज कि आईआईपी एक डिफरेंट मॉडल है और मैं चाहता हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूशंस भी इस गारंटी के साथ में स्टूडेंट को एंगेज करें कि हम इन स्टूडेंट के करियर पे बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स का जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो सारी चीज़ें उनको समझने के बाद एक क्वेश्चन उनका होता है कि जॉब गारंटी क्या आईआईपी देता है, आप किस हिसाब से श्योरिटी देते हो कि नौकरी मिल जाएगी। देखिए क्या है कि एक
टर्म हम यूज करते हैं, नॉर्मली सभी यूज करते हैं, वो होता है जॉब असिस्टेंस। जॉब असिस्टेंस का मतलब होता है कि हम आपके लिए जॉब में हेल्प करेंगे। लेकिन एक होता है जॉब गारंटी। जॉब गारंटी का मतलब होता है कि कंफर्म्ड जॉब देंगे। आईआईपी के पास नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम होते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इस कॉन्फिडेंस के साथ पास आउट होते हैं कि सर मुझे जॉब नहीं करनी, आई एम अर्निंग गुड ना, एक दिन में मैं उतना पैसा कमाता हूँ, अगर मैं चार दिन काम करता हूँ तो मैं तो बहुत बेहतर कर रहा हूँ। अगर वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो दे डोंट आस्क, उनके पास में कोई ज़रूरी नहीं है उनको कि जॉब हम देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट खासकर डिप्लोमा में ऐसे आते हैं जिनको जॉब एश्योरेंस चाहिए। एक मैट्रिक्स हमने उसके लिए बनाया है और मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर है, अगर आप उसको पूरा करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे जॉब के लिए, वरना नहीं। एक, आप 75% अटेंडेंस देंगे। दूसरा, आप दिए हुए असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे। आप समझ रहे, आपने स्पेशलाइजेशन में दिए गए प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करना है। जब आपने इतना सब कर लिया, डेडिकेशन, तो आपने लर्निंग का फेज पूरा कर लिया। अब जब आपने लर्निंग कर ली तो जॉब इज देयर। काम इतना है, मैं आपको बता सकता हूं कि काम इतना है कि अच्छा काम करने वालों की कमी है। वो लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई करी नहीं, और जैसा दे रहे हैं ऐसे ही वो ले भी रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी। लेकिन अब समय ऐसा है जब क्वालिटी आनी चाहिए, और क्वालिटी अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो मैं गारंटी करता हूं कि आप जॉब तो छोड़िए, पहले हम इंटर्नशिप बोलते थे कि इंटर्नशिप करवा देते हैं, अच्छे ब्रांड में एंगेज कराएंगे। फिर एक समय आया जब ने बोला मिनिमम 10,000 रुपीज तो इंटर्नशिप को मिलना ही चाहिए। फिर एक समय आया 20,000 तो होना ही चाहिए, इससे कम क्या, स्टूडेंट अपना कैमरा भी लगा रहा है, इतनी नॉलेज भी लेकर के गया है, वगैरह वगैरह। आज 40-50 के बीच में है, उससे नीचे कुछ भी नहीं है। अभी सुशील शामिक ये जो स्टूडेंट्स हैं, अभी वो नेशनल गेम्स हो रही हैं, हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे नेशनल गेम्स के अंदर, 14 स्टूडेंट्स हुज हेडिंग शिवाशीष, वो पूरी टीम एंगेज, मुझे लगता है आईपी के अलावा भी कहीं से स्टूडेंट अरेंज किए होंगे उसने, इतना काम है। और जो स्टूडेंट लर्निंग लेते हैं, हम उनको बोलते हैं ना अर्न व्हाइल यू लर्न, उसका भी ये प्रोसेस है। लेकिन मेरा एक बहुत क्लियर फंडा है इसमें, अगर आपने अपनी स्टडी से कॉम्प्रोमाइज किया तो कुछ नहीं चलने वाला। जो स्टूडेंट्स अर्न व्हाइल यू लर्न कर रहे हैं, दे शुड गारंटी कि मेरा करिकुलम पर कोई मेरे लर्निंग पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग इस 25-50 हज़ार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इतने तैयार नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए स्टूडेंट्स बड़े ब्रांड के साथ में, बड़े एग्जीक्यूशन के साथ में, बड़े ब्रांड के साथ में एसोसिएट हों, बड़ी मैगजीन्स में जाएं, बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, फोटोग्राफी तो हर जगह हो रही है, तो वहां जाकर काम करें और प्रूव करें दैट यस दे आर आईपीएंस। सो हमारी गारंटी उनके लिए जो हमारे स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं, और असिस्टेंस उनके लिए जो इसको पूरा नहीं करते हैं। सो वेरी सिंपल। तो मतलब ये है कि उसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन होता होगा, मतलब इस लेवल इतने दिन तक तो आपको लर्निंग करनी है, अपने क्लासेस को अटेंड करने, एक टाइम पीरियड के बाद 75% सिंपल आप जो आपको जो है अर्निंग वाला भी हम आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। बहुत सारे हम टूर्स करते हैं, ट्रेवल करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो ट्रेवल का भी होता है, वो फैशन भी होता है, फाइन आर्ट भी होता है, सब होता है। दे हैव टू प्रूव, लर्निंग की गारंटी हमारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने ये जो फॉर्मूला बताया इसको पूरा कर दिया तो फिर जिम्मेदारी हमारी है। स्टूडेंट्स की डेडिकेशन और सीरियसनेस अपने एजुकेशन को लेकर रहेगी, तो उसके बाद हम लोग उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। जॉब ज्यादा है, मैंने बोला ना आपको। हमें अब सर एक और क्वेरीज ये है स्टूडेंट्स की, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जरूरी नहीं है सारे के सारे जो है हमारे जो फीस जो है उसको अफोर्ड कर पाए। बहुत सारे होते हैं जो इमीडिएटली वॉट एवर फीस वी मेंशन को दे आर रेडी टू पे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए मतलब जो हमने फीस रखा वो बहुत ज़्यादा महंगा लगता है कंपेयर टू डिप्लोमा, उस हिसाब से फीस हमारा इतना एक्सपेंसिव नहीं है, स्टिल वो उन लोगों को जो है एक्सपेंसिव लगता है, उनके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज। देखिए क्या है कि जो लर्निंग है, लर्निंग कम्स विद अ कॉस्ट। हम लोग आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं,
मैनुलो पेगानेली बाहर से अमेरिका से आते हैं, जमारी जर्मनी से आती हैं, हमारे यहाँ जो मेंटर्स हैं दे आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स फैकल्टीज, एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स हम करते हैं कोलाज के ऊपर, फाइन आर्ट के ऊपर, एस्थेटिक्स के ऊपर, दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें वो भी चलती हैं। तो मॉडल्स हम हायर करते हैं तो वो इस लेवल के हायर करते हैं कि आपको वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समझ में आ जाए, ये नहीं कि आप स्ट्रगलर के साथ में काम कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज कि आपको देर इज अ कॉस्ट, ये सिस्टम को चलाने के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये फीस जैसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना एक फीस है तो ये पे करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं तो वी हैव स्कॉलरशिप्स, हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिसको हम उनको पास ऑन करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड जुड़े हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ में बहुत सारी एनजीओज जुड़ी हैं, एनआरआईज जुड़े हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने बोला कि सर आई कांट पे, तो हमने एनआरआई से बात करी, हमारे एक फ्रेंड है, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सिस्टम में हैं, इकोसिस्टम में हैं, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दे दी, उस स्टूडेंट का काम हो गया। अगर वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी कर देंगे। सिंपल, अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करने का वो है तो हम कर देंगे ना। जब हमारे पास में से एक मॉडल है वो 15,000 रुपीज चार्ज करती है फॉर 6 और 8 आवर्स, और नहीं तो हम 8,000 वाला लेके आएंगे मॉडल। हम किसी भी इंटरनेशनल प्रोफाइल को क्यों बुलाएंगे, हम तो दिल्ली से और मुंबई से बुला लेंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन स्टूडेंट्स को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, और हम एज अ कंट्री भी और एज अ यू नो इंस्टीट्यूशन भी हम वर्ल्ड कॉम्पीट कर रहे हैं। दुनिया में जो बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूशंस हैं हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुतों से हम आगे हैं फॉर श्योर। मैं आपको आज बता सकता हूँ, हमने और भी वीडियोज बनाई हैं, जो लर्निंग US में, UK में और बाकी जगहों पर है, क्योंकि वो बहुत पुराने पुराने इंस्टीट्यूशन हैं, कोई 50 साल 100 साल 150 साल 40 साल ऐसे पुराने इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनके सिस्टम्स बहुत डिफरेंट हैं और उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है। हम अभी डेवलपिंग टू डेवलप्ड थॉट प्रोसेस में आए हैं तो हमारे पास में रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टिल हमने NGO इसलिए बनाया, नॉट फॉर प्रॉफिट इसलिए बनाया, क्योंकि हमें लालच नहीं होना चाहिए कि हमने कॉम्प्रोमाइज करना है किसी भी, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम एनालॉग सिस्टम को पढ़ाएं। लेकिन सिर्फ वैल्यू एडिशन करता है वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके प्रोफेशनलिज्म में, इसलिए हमने उसको शो कर दिया और इंटरनेशनली वो पढ़ाया जा रहा है। तो वी आर दी प्रोबेबली द फर्स्ट वन जिन्होंने इसको री इन्वेंट किया है। एज स्टूडियोज तो दिल्ली में चलते हैं, 2-3 जगह 4 जगह चलते हैं, लेकिन एज इंस्टीट्यूशन लोग तो कई बार हम पर हंसते हैं कि अरे यार आप तो एनालॉग सिस्टम पढ़ा रहे हो, हमें मालूम है ना कि वो स्टूडेंट को कहाँ हेल्प करता है, और वी डोंट केयर, हमें किसी की कोई चिंता नहीं इस बारे में। हमें मालूम है कि हम हमारे स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, और वही है जो वो जा करके जब वो इंडस्ट्री में बैठते हैं, वर्क करते हैं, वो गाइड करते हैं वापस आके, सर इस तरह से चल रहा है, अब IIP को ये करना चाहिए, अब IIP को वो करना चाहिए, वो हम करते हैं। Every day is a new day. तो इसलिए Every day is a new day for learning. अब ये जो स्कॉलरशिप है, कौन एलिजिबल है इनके लिए, जो IIP के फीस में हम लोगों ने स्कॉलरशिप रखा? स्कॉलरशिप के लिए जो डिफेंस पर्सनल्स के चिल्ड्रन होते हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं, BPL बैकग्राउंड से आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, और फिर दे हैव पैशन टू लर्न, पैशन फॉर फोटोग्राफी, गर्ल चाइल्ड, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके अलावा नहीं सोचते हैं, नहीं, अगर आपके पास पैशन है तो हम लोग कोई ना कोई फॉर्मूला बनाते हैं, अपने सिस्टम्स को इतना फ्लेक्सिबल हमने रखा है कि अगर आप रियली, आपके पेपर भी यही कहते हैं कि आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वी हैव दैट सिस्टम, नंबर वन। ये तो हो गया एक कॉन्टेक्स्ट में। नंबर टू, ऐसे भी स्टूडेंट हमारे पास में आते हैं कि सर वी हैव एवरीथिंग, बट टू सस्टेन इन दिल्ली
देर इज अ कॉस्ट 12-15 हज़ार 18 हज़ार। अगर हमें ये सिस्टम अर्निंग का मिल जाए तो हम फिर हमें दिक्कत नहीं है, तो हम वो भी कर देते हैं। तो हमारे पास में एक एक्चुअली एक एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। तो यू हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड मेरा मानना ये है इफ देर इज अ प्रॉब्लम देर इज अ सॉल्यूशन। ये मेरा नहीं, नेचर का सिद्धांत है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देर एंड देन है। आई थिंक हो गया आपके क्वेश्चंस के कोई और? ऑलमोस्ट सारे कंप्लीटेड ही हैं सर जी। ये सब एक बेसिक क्वेश्चंस थे जो क्वेरीज मेरे को आते रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो हम लोगों ने प्लान करा था कि एक बार एक ऐसा सेशन कर लें जो कि जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाता है ईपी के साथ, तो इस वीडियो के थ्रू अपने सारे क्वेरीज को फुलफिल कर लें। ठीक है, मैं अब आपको एक फाइनली इसको हम कंक्लूड अगर करें तो करियर काउंसलिंग के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप लोग इसको अच्छे से देखें, पेरेंट्स को भी दिखाएं और समझने की कोशिश करें। इसको हम कोशिश करेंगे कि इसका एक इंग्लिश वर्जन भी बनाएं, सो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ और मे बी नॉर्थ ईस्ट जो लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए भी एक वीडियो बन जाएगा। ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा इन फोटोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। ऐसे ही हम बीएफए बैचलर्स और मास्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बनाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, लर्निंग जिस दिन आपने सोच लिया उसी दिन शुरू हो जाती है। नेवर से यस अगर आपको समझ में नहीं आई है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है आप हमें लिखें, हमसे बात करें। 9015422322 नंबर स्क्रीन पर नीचे दिख भी जाएगा आपको। आपको लगता है कि आपको आकर के बात करनी है तो भी करिए। अगर आप छोटे शहर से हैं और सपने बड़े हैं तो हमारा एक कैंपेन चल रहा है, आप उसको उसमें एंगेज हो जाइए हमारे साथ मिलके इंक्यूबेशन प्रोग्राम में। और बाकी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं आपके जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए। IIP इज कमिटेड टू डिलीवर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आप हमारे IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ एवरी डे कुछ ना कुछ वीडियो बन रहे हैं। लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग अब शुरू होने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, अगर आपके पास में अभी एक साल है एडमिशन लेने के लिए तो आज से लर्निंग आपकी शुरू करने वाले हैं हम। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, सो दैट आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में एक अलार्म आपके पास में आए, आपके पास में वो प्रेस करने से सारी वीडियोस की डिलीवरी हो जाएगी। आज के एपिसोड में हमने ड्यूल डिप्लोमा इन फोटोग्राफी पर बातचीत की। ऐसे और वीडियोस हम आपको बताएंगे, बनाएंगे ऑनलाइन, हाइब्रिड और रेगुलर कोर्सेज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।